अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल माना जनजाति कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसके चलते इस संवर्ग में शामिल छात्रों का नुकसान हो रहा है। जाति सत्यापन मामले में धांधली हो रही है, ऐसी कई समस्याओं को लेकर आदिवासी माना समाज कृति समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नारायण जांभुड़े के नेतृत्व में पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि माना विदर्भ की अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र सत्यापन आवेदन मामले नागपुर, गोंदिया, अमरावती, यवतमाल, गढ़चिरौली और चंद्रपुर अनुसूचित जनजाति के लिए स्क्रूटनी कमेटी द्वारा 6 माह के भीतर निस्तारण नहीं करना, पक्षपातपूर्ण उद्देश्य से मामले रद्द करना, समय पर जवाब दाखिल न करने तथा उच्च न्यायालय में कार्यवाही व रिकॉर्ड न प्रस्तुत करने, इस प्रकरण के अनुरूप जांच हेतु विशेष जांच दल गठित करने, माना आदिवासी समुदाय के प्रकरणों को जानबूझकर लंबित किया गया है, लंबित प्रकरणों की सत्यता के संबंध में जांच कराई जाए, इसके लिए SIT स्थापना के बाद 31 जुलाई 2024 तक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए और 9 अगस्त 2024 तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाए। अगर ये पाया जाता है कि उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित किया गया है तो उन्हें शैक्षणिक मुआवजा दिया जाए। यदि 2 अगस्त तक उच्च मांगों को मंजूरी नहीं दी गई, तो 18 अगस्त से भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, अमरावती, नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के सभी जिलों में भव्य मार्च निकाले जाएंगे। ऐसी जानकारी इस समय आदिवासी माना समाज कृति समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नारायण जांभुड़े ने दी। आणि 1 महिन्यामध्ये तो अहवाल, कारण खूप काही केसेस नाही आहे, त्या केसेसचं अवलोकन करावं आणि सत्य फायंडिंग काय आहे हे शासनापुढे द्यावे आणि शासनाने अर्थातच तो निर्णय घेताना आम्हाला ही बैठकीला बोलवावे, कायदेशीर काय काय बाबी आहे आणि त्यानंतर जर योग्य वाटत असेल शासनाला आता दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि आम्हाला जो न्याय तो अन्याय झालेला आहे तो अन्याय दूर करण्यासाठी शासनाने आम्हाला सहकार्य करावे एवढीच आमची या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून ही विनंती आहे। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में आवेदन प्रकरणों को 6 माह तक लंबित रखा जाता है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सर्कुलर जारी किया गया है। 6 माह के अंदर मामले का समाधान नहीं होने पर समिति के सदस्यों पर विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन माना अनुसूचित जनजाति के प्रस्ताव 1 वर्ष से लंबित है। छात्रों के शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो रहे हैं। बार बार मांग करने के बाद भी विदर्भ के माना अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले नागपुर, गोंदिया, अमरावती, यवतमाल, गढ़चिरौली और चंद्रपुर अनुसूचित जनजाति के मुद्दों पर 6 महीने के भीतर निपटारा नहीं होने, पूर्वाग्रह के कारण मामलों को रद्द करने, जवाब प्रस्तुत नहीं करने और कार्रवाई और रिकॉर्ड करने के लिए विशेष जांच दल का गठन, माननीय उच्च न्यायालय को समय रहते यह ध्यान में रखते हुए कि आदिवासी समुदाय के मामलों को जानबूझकर लंबित रखा गया है, लंबित मामलों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए, ऐसी मांग इस समय आदिवासी माना समाज कृति समिति इनके द्वारा की गई। त्याला वेळ लावतात, 1.5-2-3 वर्ष घालवतात आणि त्याच्यामुळे सर्वात महत्त्वाचं शिक्षणाचं नुकसान होतो, याच्यावर कुठलाही शासनाचा कुठलंही लक्ष नाही आणि त्या संदर्भातच काही आमच्या मागण्या आहेत ज्या आम्ही आपल्यासमोर मांडतो आहे आणि शासनाला विनंती करतो आहे की या संदर्भात त्यांनी लक्ष द्यावं। ज्या प्रकारे 6 महिन्यात देणं अनिवार्य आहे हे होत नाही आहे, तर हे काय हेतु पुरस्पर होत आहे का, याला अधिकारी काय मुद्दाहून करतात का? कारण ट्रायबल कमिटीचे जे अध्यक्ष आहेत, TRTIचे जे अध्यक्ष आहेत तेही ट्रायबल आहेत, IAS अधिकारी आहेत। समजा एखादा अधिकारी त्या पोझिशनवर बसून तोही ट्रायबल असेल तर काय तो बाकी आदिवासींना न्याय देत असेल का? आणि जर असं होत नाही आहे तर मग का बरं विशिष्ट काही जातींना जमातींना त्रास दिला जातो आहे? 6 महिन्याचा कालावधी असताना ट्रायबल मुलांना जर शिक्षणाकरिता कोर्टात जावं लागत असेल, त्यांच्या हालाकीची परिस्थिती असताना त्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या चढावा लागत असेल आणि हजारो लाखो रुपये जर खर्च करावा लागत असेल तर मग आम्हाला न्याय मिळणार कधी? कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।